तो मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं यूबॉन पृथ्वी सीरीज़ का फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ एरोमा का जर्जी के साथ। और आज आपको मैं बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा एयरफोन है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, कौन से एयरफोन आपको परचेज़ करना चाहिए, सभी चीज़ बताऊँगा। मैंने अपने इस चैनल पर सिर्फ फुल रिव्यू आपको देना हो, आपको बस एक तय करने को मिलेगा कि भाई कंक्लूजन में आपको मिलेगा कौन सा परचेज़ करना चाहिए। बहुत ही छोटा वीडियो आपने देखा होगा, बहुत ही छोटे वीडियो में, बिकॉज मैं यहाँ पर सिंपल आपको बोलूँगा कि हाँ अच्छा है तो अच्छा है, बुरा तो बुरा। यहाँ पर लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि अच्छा है या नहीं है, फिर उसके लिए 10 बार वीडियो को घुमा वहाँ पर, एक चीज़ को अच्छा बोलने के लिए 1 मिनट लगा दो, वो ही नहीं। जितना है उतना मैं आपको बोल के ख़त्म करूँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करके आते हैं, उनको खरीदने का मोटिव होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे अनबॉक्सिंग करके आपको साउंड क्वालिटी पता चलता है, लेकिन कॉलिंग और बैटरी के बारे में कोई घंटा आपको पता नहीं चलता। तो मेरा एक ही टारगेट है कि उस वीडियो को आपका सिर्फ आप अनबॉक्सिंग पर्पज़ के लिए देखो, या फिर कुछ थोड़ी देर के लिए देखो, वापस हट जाओ वहाँ से। स्टार्ट कैसे करना है वो सब आप देख लो, बाकी जो फुल रिव्यू जो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं ऑलवेज प्रोडक्ट को कम से कम तो 1 वीक तक मैं यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही मैं इसका फुल रिव्यू, बिकॉज मेरे को हर एक चीज़ मुझे देखना होता है। तो सबसे पहला, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर आप लेने को सोच रहे हो, तो सबसे पहला तो उसको टेस्ट कीजिए 1 वीक पूरा, 1 वीक के अंदर अंदर का टाइमिंग के अंदर उसको पूरा चेक करके, या आपको रिफंड रिटर्न का आपको ऑप्शन मिलता है। क्योंकि आपको ये चीज़ आपको सबसे पहला देखना चाहिए कि भाई कॉलिंग कैसा जिसका काम करता है कि नहीं, साउंड कैसा, तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, तो आप इसे रिफंड या रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों की कॉलिंग की। तो कॉलिंग के अंदर मैं बोलूँगा एरोमा जर्जी, और दोनों सा लगभग सेम है, माइक की कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यहाँ पर यूबॉन के अंदर भी मेरे को कॉल कनेक्टिविटी या दोनों का सिमिलर जैसा ही लगा है एरोमा के जैसा, लेकिन अगर आप एक कॉल अच्छा अगर आप लेना चाहते हो कॉल क्वालिटी, तो यूकूल की तरफ जाए। तो कॉल क्वालिटी के मामले में बोलूँगा दोनों ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको कॉल आता है तो कॉल के दौरान आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट नॉट इट इज़ फॉर डिलीवरी बॉय पर्सन, क्योंकि उनके लिए तो मैं बोलूँगा वाइब्रेशन कॉल वाला ही आपको, ये वाइब्रेशन अलर्ट वाला फीचर वाला ही आपको ये नेक बैंड आप खरीदो, वो बेस्ट रहेगा। और डुअल माइक सिस्टम वाला आप खरीदो, बिकॉज उसमें माइक का आपका कॉलिंग का आपका पर्पस जो होता है ना वो पूरा सही हो जाएगा। बैटरी की बात करें तो भाई दोनों के अंदर जो मैं है, जिस वजह से जो एरोमा जर्सी विन करता है, क्योंकि यहाँ पर 48 आवर का बैटरी बैकअप है, 1.5 घंटा लगता है चार्ज करने में, 2.5 दिन का हैवी यूसेज पर आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा एरोमा जर्सी में। वेर एस यूबॉन पृथ्वी सीरीज़ की अगर बात करूँ, 15 आवर का आधा दिन बैटरी बैकअप चलेगा आपका हैवी यूसेज में, 1 घंटा लगता है चार्ज करने में। तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं बैटरी में, मैं बोलता हूँ कि विनर निकलता है एरोमा जर्सी। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो साउंड क्वालिटी अगेन मैं बोलूँगा दोनों का ही लगभग सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ है जो अगर आपको चाहिए तो जो वॉल्यूम जो होता है ना, जो वॉल्यूम है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है एरोमा जर्सी में पृथ्वी से। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, साउंड क्वालिटी की नहीं, तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। बाकी साउंड क्वालिटी के अंदर मेरे को अभी भी, क्योंकि बेस भी ऐसा नहीं कि कोई किसी के अंदर मेरे को ऐसा मिला है कि बेस बहुत ज़्यादा पंची है, नहीं, बेस एक मीडियम है, बैलेंस बेस है, सभी चीज़ें बैलेंस है और वो चीज़ सही है, मैं मानता हूँ इसको। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि भाई साउंड क्वालिटी मुझे एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई मी बेसिक एयरफोन आपने ट्राई किया होगा तो उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी के अंदर, वैसा ही है, बेस की बात करूँ बाकी सभी चीज़ें मी बेसिक एयरफोन जैसे ही है।